आजकल पढ़ाई जोरों पे चल रही होगी आप लोगों की, क्यों? क्योंकि एक तो हम लोगों की क्लासें भी चल रही हैं सभी लोगों की, और साथ साथ में देखो यार टाइम भी आ गया है कि नहीं। तो यही 4-5 महीने हैं जिनमें हमें सब कुछ कर गुजरना है। ये मान के चलो ये लाइफ के वो 3-4 मंथ है जो आपकी जिंदगी को बदलेंगे। मतलब आपको एक स्टूडेंट से एक डॉक्टर में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ ये 4-5 महीने या 3-4 महीने। मतलब ये 100 दिन हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100 डेज है कि नहीं। तो ध्यान रखना 100 डेज जो है ये आपको डॉक्टर बनाएंगे। तो इसमें थोड़ी ज्यादा और जान लगा के पढ़ाई करें। आप सर्दी के मजे मत लें कि हाँ यार सर्दी है आराम से रजाई के अंदर सो रहे हैं, ब्लैंकेट के अंदर सो रहे हैं, ऐसा नहीं। ना ब्लैंकेट के अंदर बैठ के पढ़ाई करें, आप अपना मेज कुर्सी में बैठ के पढ़ाई करें, ठीक है। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो कोई एक रूम हीटर लगा ले, मगर पढ़ाई मेज कुर्सी में बैठ के करें, रजाई के अंदर बैठ के, ब्लैंकेट के अंदर बैठ के, बेड के ऊपर बैठ के पढ़ाई ना करें, नहीं तो इफिशियंसी नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि तुम पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे, मगर आउटपुट जो होगा वो कम निकलेगा। 6 घंटे पढ़ोगे तो आउटपुट 4 घंटे का, और जैसे ही तुमने सर्दी है तो बच्चे ज्यादा खा भी लेते हैं, है ना, क्योंकि सर्दी में तो सब कुछ पसता है। और फिर जैसे ही हल्का सा आप बैठोगे पढ़ोगे, फिर धीरे धीरे क्या है, पहले ऐसे बैठे होगे, फिर ऐसे बैठोगे, फिर ऐसे बैठोगे, फिर सो जाओगे। तो सभी बच्चे मेज कुर्सी में बैठ के पढ़ें, पहला पॉइंट तो ये है, सर्दी भर ध्यान रखें, ठीक है। यही वो समय है जो आपको सेलेक्ट करा है। और एक और चीज आप लोगों को मैं एडवाइस देना चाहता हूं, इसको अपने दिमाग में बैठा लिया। यदि पेपर अप्रैल के लास्ट में होना है, यदि पेपर अप्रैल के लास्ट में होना है, तो एनी हाउ आप अपना सिलेबस पेपर के कम से कम 20 दिन पहले खत्म कर लें। पूरी बायो, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स पेपर की डेट के 20 दिन पहले खत्म कर लें। जैसे उस 20 दिन में हम सिर्फ अपने कमजोर छोटे मोटे सब टॉपिक पे फोकस कर सके, मैक्सिमम फुल टेस्ट दे सके। कम से कम पेपर में जाने से पहले हर बच्चा 20 से 30 फुल टेस्ट पेपर जरूर दे के जाए। उससे दो आराम रहेंगे। पहला, एक बच्चा कह रहा सर आवाज कम आ रही है। नहीं यार दोस्त, मेरी टीवी में तो आवाज बहुत सही आ रही थी। तो पहला ये कि तुम प्रेशर बियर करना सीख जाओगे, क्योंकि आपका एग्जाम प्रेशर वाला एग्जाम है। आपको 40 से 45 सेकंड में एक क्वेश्चन को करना होता है। तो जब तुम फुल टेस्ट पेपर देना तो 2.5 घंटे का अलार्म लगा के या 2:40 का अलार्म लगा के देना, मतलब 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का एक्स्ट्रा कम टाइम लेना, क्योंकि वहां से 10-15 मिनट खराब भी होते हैं। तो उससे क्या है कि जब तुम 20-30 फुल टेस्ट पेपर दोगे तो प्रेशर बियर करना सीख जाओगे, और प्रेशर में क्वेश्चन कैसे सही किया जाता है ये भी करना सीख जाओगे। आप सभी बच्चे देखते हो पेपर देके आते हो तो कहते हो अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरे से हो जाता, पता नहीं वहां क्यों नहीं हुआ। अरे ये भी क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, पता नहीं वहां क्यों नहीं हुआ। ये सब क्या होता है? प्रेशर होता है। क्यों? वो क्वेश्चन तुमसे हो जाता मगर उस क्वेश्चन को तुम 5 मिनट में कर रहे हो, और जबकि पेपर में तो हमें 5 मिनट किसी क्वेश्चन के मिले ही नहीं। तो इसलिए ध्यान रखो पेपर की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आपको। यदि यही बात मैं IIT वाले बैचों में बोलता हूं तो मैं उनको बोलता हूं 5-7 पेपर भी लगा ले तो ठीक है। क्यों? उनको प्रेशर नहीं रहता है, उनके पास खूब टाइम होता है, बस वो क्वेश्चन सही कर दे। मगर बेटा तुम्हारा एग्जाम काफी टफ है, क्वेश्चन भी सही करना है, 40 सेकंड भी है, और प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप जब भी पेपर फाइनल पेपर हो उससे पहले कम से कम 20 फुल टेस्ट पेपर 2.5 घंटे के अलार्म के साथ सॉल्व करें। इससे यह होगा कि आप अपनी इफिशियंसी का 95-99% पेपर में परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो जो तुम्हारी इफिशियंसी है उसका 80% तुम परफॉर्म कर पाओगे पेपर में। मतलब तुम काबिल हो 680 नंबर लाने के, 700 नंबर लाने के, तो पेपर में आएंगे 620-630, और यदि 620 और 30 के काबिल हो तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 590 आएंगे, 590 आएंगे,
और 20-25 नंबर तुम्हारे शॉर्ट हो जाए, जबकि तुम उतने काबिल थे कि सिलेक्शन हो जाता। मगर वो जो उस टाइम को मैनेज करने का तरीका है, मेथड है, वो हम नहीं सीख पाए। क्यों? क्योंकि लास्ट के टाइम में हमने फुल टेस्ट पेपर का नहीं दिया, फुल टेस्ट पेपर नहीं दिए।